की बात कर लेते हैं बलौदा बाजार की, जहां पर प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज के स्थापना दिवस के मौके पर बाइक रैली निकाली गई, जिसमें हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए। हर वर्ष की तरह इस बार भी सतनाम समाज ने एक बड़ी यात्रा का आयोजन किया है, और हर वर्ष की तरह सतनाम समाज इस यात्रा का निकालने का एक उद्देश्य रहता है कि बाबा गुरु घासीदास के संदेशों को जन जन तक पहुंचाना। वहीं सतनामी समाज कई वर्षों से बलौदा बाजार जिले का नाम गुरु घासीदास करने की मांग कर रहा है। आज मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, जो समाज के द्वारा ये यात्रा निकाली जा रही है, उसका पूरा समर्थन करने के लिए आया हूं। और जो मांगे लेकर ये यात्रा की जा रही है, बलौदा बाजार जिले का नाम हमारे परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी के नाम पर होना चाहिए, आरक्षण हमें 16% मिलना चाहिए। बाबा गुरु घासीदास की संदेश को पहुंचाते हुए हमारे राजधानी रायपुर आमा पारा से लेके गिरौदपुरी धाम तक अनेक जगह भंडारपुरी खरोरा रायपुर से लेके पलारी बलौदा बाजार आज खजदौर पहुंचा है। सभी यात्री को, गुरु घासीदास के सभी मानने वाले लोगों को हम लोग यहाँ बाइक रैली को स्वागत किए। संदेश यात्रा हमारा आज जो निकला है वो हमारी संस्था है प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज, उसकी स्थापना दिवस के अवसर पर इस वर्ष आयोजित की गई है। आप सब भलीभांति जानते हैं कि पिछले 5 सालों से हम लगातार सतनाम संदेश यात्रा निकाल रहे हैं। इस बार का सतनाम संदेश का यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि गुरु बाबा घासीदास के जो भी संदेश है, सात सिद्धांत और 42 वाणियों का प्रचार जन जन तक, प्रदेश की जनता तक उनका